ने एवरेस्ट एंडेवर एसयूवी का अनावरण किया है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में और फिर अन्य एशियन देशों में बिक्री पर जाएगी। ये कार 2019 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। बाहर मामूली डिजाइनों में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कार में सामने मॉडिफाइड ग्रिल, बम्पर और हेडलैम्प इंसर्ट्स है। इसमें 20 इंच मिश्र धातु के पहियों से भी बड़े पहिए हैं। अंदर की तरफ कार में थोड़ा मॉडिफाइड इंटीरियर फोर्ड सिंग 3 इंटरफेस लोडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आता है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो इस एसयूवी में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग के साथ पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन शामिल है। नई एंडेवर एक नई 2.0 लीटर डीजल मोटर द्वारा संचालित होती है, जो 10 स्पीड स्वचालित ट्रांसमिशन से मेल खाती है। ने अपनी बहुप्रतीक्षित यारिस सेडान भारत में 8.75 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की है। कार चार अलग अलग प्रकारों में लॉन्च की गई है, जहां सभी चार प्रकारों में निरंतर परिवर्तनीय और मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प प्राप्त होते हैं। डिजाइन के अनुसार कार थोड़ी प्रीमियम दिखती है और इसमें एक अनदेखी अद्वितीय डिजाइन श्रेणी का उपयोग किया गया है। कार में एक बड़ी अपफ्रंट ग्रिल, पीछे खींचने वाली हेडलाइट्स और टीयर ड्रॉप शेप एलईडी फॉग लाइट्स है। अंदर कार स्पेशियस है और कार में एम्बिएंट इल्यूमिनेशन, रूफ माउंटेड एयर वेंट्स के साथ अकुस्टिक और वाइब्रेशन कंट्रोल ग्लास, 4.2 इंच के TFT MID इको वॉलेट, हैंड और एयर गेस्चर कंट्रोल इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और LED लाइन गाइड के साथ टेल लैम्प। अब कार सिंगल इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 108 HP पीक आउटपुट के साथ पेश की जाएगी। कार DB11 V12 की उत्तराधिकारी है। DB11 AMR 6500 RPM पर अपडेटेड ट्विन टर्बोचार्ज 5.2 लीटर पावर प्लांट डेवलपिंग 639 HP और 1500 RPM पर 700 NM द्वारा संचालित है। इंजन को ZF8 स्पीड स्वचालित गियर बॉक्स को फिर से चालू करने के लिए जोड़ा गया है। इस सारी पावर के साथ DB11 AMR 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 3.7 सेकंड में पहुंचती है और इसकी टॉप स्पीड 355 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो DB11 V12 से लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्योंकि ये एक AMR कार है, ये सिर्फ पावर बूस्ट को बढ़ावा देने से ज्यादा है। अपनी पुरानी भाई की तुलना में ये अधिक चुस्त और उत्तरदायी है। ये अपनी बॉडी में ज्यादातर कार्बन फाइबर का उपयोग करती है और इसमें अतिरिक्त उबेर लुक के लिए ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर है। रेक्सटिन महिंद्रा ब्रांड नाम के तहत भारत में लॉन्च की जाएगी। हाल ही में कार स्पॉट की गई है। कार सभी संभावनाओं में इस साल के उत्सव के मौसम से पहले ही लॉन्च की जाएगी और इसे XUV 700 नाम दिया जाएगा और पहले से ही मौजूदा XUV 500 से ये ऊपर रखी जाएगी। जब डिजाइन की बात आती है तो कार में टॉप पर सिंगल क्रोम बॉर्डर के साथ केंद्र में डार्क हॉरिजॉन्टल स्लेट है। इसमें एक बड़ी मस्कुलर ग्रिल, LED फॉग लैम्प, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स जैसी सुविधाएं भी शामिल है। अंदर कार में प्रीमियम लेदर अपहोल्स्टरी और हवादार सीटें हैं। सुविधाओं में ड्यूल जोन स्वचालित जलवायु नियंत्रण, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, GPS और नेविगेशन के साथ 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम EBD, 9 एयरबैग और पार्किंग ब्रेक के साथ ABS शामिल है।
राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने दस्तावेज जारी किए हैं, जो दिखाते हैं कि ट्राइम्स स्ट्रीट ट्रिपल बाइक के आर और आरएस वर्जन को रिकॉल कर रही है। ये रिकॉल 19 मार्च 2017 से 4 जनवरी 2018 के बीच निर्मित की गई बाइक को प्रभावित कर रही है। बाएं हाथ के किनारे स्विच क्लस्टर को बदलने के लिए ये रिकॉल की जा रही है, जिसे ठीक से बंद नहीं किया गया है और पानी के स्राव के कारण ये प्रभावित हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप हेडलाइट्स खराब हो जाती है और टर्न इंडिकेटर्स बदल जाते हैं। ट्राइम्फ अब व्यक्तिगत मालिकों को सूचित करेगी और स्विच क्लस्टर को मुफ्त में बदल देगी। ये अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्या ये रिकॉल भारत में बेची गई किसी भी बाइक को प्रभावित करेगा। हुंडई ने भारत में अपनी i20 CVT लॉन्च की है, जिसकी कीमत 7.04 लाख रुपए से 8.16 लाख रुपए के बीच है। जहां तक परिवर्तनों का सवाल है, CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा इन कारों में मूल रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस नए ट्रांसमिशन के कारण नई i20 मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन की तुलना में लगभग 1 लाख रुपए महंगी है। इस कीमत बढ़ोतरी के साथ भी i20 अपने प्राथमिक प्रतिस्पर्धी होंडा जैज और मारुति बलेनो की तुलना में सस्ती है। क्रेटा SUV का एक नया रूपांतरित वर्जन हुंडई द्वारा 9.44 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। ये कार 5 ट्रिम्स और 3 इंजन विकल्पों में उपलब्ध कराई गई है, जो टॉप स्पेक SXOMT डीजल 15.04 लाख रुपए का मूल्य टैग ले रही है। नई क्रेटा आउटगोइंग मॉडल से अलग दिखती है, जिसमें क्रोम इंसर्ट्स के साथ बड़ी ग्रिल, बड़े फ्रंट बम्पर, फॉग लैम्प के लिए अलग आवास और एक मॉडिफाइड गियर बम्पर है। अंदर की तरफ कार में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन अपरिवर्तित है। सुविधाओं में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS, 17 इंच मिश्र धातु के पहिए, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल और IPS डिस्प्ले के साथ AVN इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, कार 3 अलग-अलग इंजन विकल्पों में उपलब्ध कराई जाएगी। एक 90 HP 1.4 लीटर डीजल, 123 HP 1.6 लीटर पेट्रोल और 128 HP 1.6 लीटर डीजल। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक शामिल है।